हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने सेट सीखा, फ्रैक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने सेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा और फॉर्मूले हमने उस पर बनाए। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ नए फॉर्मूलों की जरूरत बनेगी तो हम साइड में साथ साथ वो फॉर्मूले बना देंगे। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज़, यानी कि 60 लड़कों की एक क्लास में देर आर 45 बॉयज़, 45 लड़के हैं, हु प्ले कार्ड्स, जो कि कार्ड खेलते हैं, कि क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 में से 45 यानी कि 45 जो हैं कार्ड्स खेलते हैं, एंड 30 बॉयज़ हु प्ले कैरम, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं, ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, कि कम से कम हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, यानी कि क्लास में अगर 60 बच्चे टोटल हैं तो 60 कार्ड्स खेल रहे हैं, 30 कैरम खेल रहे हैं और हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेल रहा है, तो यानी कि जो 60 है वो आपका यूनियन में चला जाएगा। ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, यूज सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन का यूज कीजिए टू फाइंड करने के लिए, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को खेलेंगे, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्ड खेलेंगे, कार्ड्स ओनली, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, और ऐसे कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैरम खेलेंगे। तो बच्चों हम जो है क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, ए और बी दो सेट हैं, सच दैट बताएंगे कि ए में कौन है बी में कौन है। ए में वो है हु प्लेज कार्ड, जो कार्ड खेलते हैं, हु प्लेज कैरम, जो कैरम खेलते हैं। अब बच्चों देखिए, एन ए नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, ऐसे बच्चे जो कार्ड खेलते हैं, कितने दे रखे हैं आपको, इसने दे रखे क्वेश्चन में 45 ऐसे जो कार्ड खेलते हैं, एंड बी नंबर ऑफ बी यानी कि ऐसे लड़के जो कैरम खेलते हैं, वो बच्चों इसने आपको 30 दे रखे, और कहता है टोटल जो है 60 है, कितने हैं 60, और 60 में से हर एक बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यूनियन के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए बच्चों, पहले पार्ट में इसने पूछा है कितने बच्चे जो हैं दोनों खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेज बोथ द गेम्स, कितने जो हैं दोनों गेम्स को खेलते हैं, यानी कि इसने आपसे एन ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया। तो बच्चों एन ए इंटरसेक्शन बी क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, बच्चों ये है 45 प्लस में 30 माइनस 60, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे बेटो 75 हो जाएंगे, 75 कितने हो जाएंगे 75, और इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 15 यानी कि 15। अब इसने जो आगे बात पूछी है, आगे इसने पूछी है हाउ मैनी प्लेज कार्ड ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्ड खेलने वाले, तो यानी कि ए में से बी निकल जाएगा। देखिए मैं वेन डायग्राम से हेल्प से इसको आपको समझाता कि ये अगर यू था तो यहां पर सेट ए होगा और यहां पर सेट बी होगा। तो बच्चों ए ओनली यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ ए में है बी में नहीं, यानी कि ए माइनस बी होगा, और वो बच्चों कितना होगा, वो आपका ये होता है। तो देखिए अगर हम पूरा ए ले लें तो इसमें एक्स्ट्रा कौन से आ गए, ये और ये कौन से हैं इंटरसेक्शन वाले, ये एक्स्ट्रा आए हैं तो इनको हटा देंगे, यानी कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों एन ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एन ए की वैल्यू इसने हमें दे रखी है 60, कितनी देर की बच्चों, एन ए की वैल्यू 60 नहीं 45, यानी कि 45 है बच्चों, तो 45 माइनस इंटरसेक्शन की देर की 15, तो कितने आ गए 30। ये आपका सेकंड पार्ट था बच्चे, और जो तीसरा पार्ट है उसमें सेम इसी तरह से ये आप पूछता है कैरम ओनली, तो कैरम ओनली तो एन बी माइनस ए होगा, तो उसी तरह हम नज़र डालें तो ये सारे तो बी के होंगे, और बी में से हमें ये हटाने हैं यानी कि इंटरसेक्शन के हटाने हैं, तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, बच्चों एन बी है 30 इंटरसेक्शन है 15, तो घट के कितने आ गए 15 15। इस प्रकार से जो है आप इस चीज़ को कर पाएंगे, यानी कि किसी चीज़ का आपके पास फॉर्मूला नहीं है
तो भी आप वेन डायग्राम की हेल्प से उसे सोल्व कर पाएंगे, आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है कि आप किसी जो है क्विज में बैठे हुए हैं, आपको वो ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना सीधे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़े। जब आपको सीधा आंसर हिट करना हो, यानी कि क्वेश्चन के 4-5 नंबर ना हो, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो उसमें आप सीधा और सीधा डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम इस तरह का करते हैं। देखिए, देर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब, एक क्लब के अंदर 210 बच्चे हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 जो हैं चाय पीते हैं, 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, 65 ऐसे हैं जो टी पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कितने जो हैं कॉफ़ी पीते हैं, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट ए टी। तो बच्चों उसी तरह से हमारे पास दो चीज़ हो जाएंगी, तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। लेट A and B are two sets such that A represent karega who drinks tea, B represent karega who drinks coffee. हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए कितना डेटा दे रखा है, कहता है 210 members in a club, क्लब में जो है टोटल 210 मेंबर हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, 100 जो है चाय पीते हैं, 65 टी बट नॉट कॉफ़ी, 65 ऐसे हैं जो चाय पियेंगे लेकिन कॉफ़ी को नहीं पियेंगे। फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक्स कॉफ़ी ओनली, तो जो डेटा आपको दे रखा है टोटल मेंबर दे रखे हैं, टोटल मेंबर दे रखे हैं बच्चों, इसका मतलब ए यूनियन बी दे रखा है, कितने हैं 210। उसके बाद कह रहा है कि 100 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, यानी कि यानी दे रखा है, तो एन ए में कितने आ गए बच्चों 100। उसके बाद क्या करा, 65 ड्रिंक टी, 65 ऐसे हैं जो टी पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, तो ए माइनस बी हो वो कितने हैं 65। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो फॉर्मूला हमने देखा था वेन डायग्राम की हेल्प से कि इसका फॉर्मूला था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इसकी वैल्यू इसने आपको दे रखी 65, ये है बच्चों 100 और ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 65 कितना बच गया 35 यानी कि 35। अब इसके बाद और क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी ओनली, कॉफ़ी यानी कि बी निकालना है, तो बी आपका किससे हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, ये मैं अगला पार्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये वैल्यू आपके पास है 210, बच्चों ये वैल्यू भी आपको दे रखी है इसने कितनी है 100, ये तो आपको निकालनी है, और इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन आपका भी अभी आया है 35, तो ये है 210 इक्वल टू 100 में से ये माइनस कितना हुआ 65 प्लस एन बी होगा कि नहीं होगा। और बच्चों यहाँ से आपका जो एन बी है वो हो जाएगा 210 माइनस 65, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से 65 हटा देंगे तो 145 कितना आ जाएगा 145 यानी कि 145। और जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो मैं आपका यहाँ कर देता हूँ, उस हिस्से में तो आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा तो दिखाई नहीं देगा। देखिए क्या है, कहा गया हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि एन बी माइनस एन ए, कॉफ़ी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते हैं, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी है बच्चों 145 और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 35, तो कितने आ जाएंगे 110, कितने आ जाएंगे बच्चों 110 110। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं, देखिए हमने पहले ही कहा था बच्चों मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, तो हल्के हल्के क्वेश्चन आराम आराम से मैं जो है आपका लेवल बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दूंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, आपको काम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों आप डेली साथ साथ काम कीजिएगा, तभी जो है इसमें बात बन पाएगी, जो हम कर रहे हैं वो सक्सेस हो पाएगा।